हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑफ इन अदर वीडियो। आज इस वीडियो में बताऊंगा आपको स्लैब रेनफोर्समेंट कैसे रेट करते हैं, कैसे इसको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो पहले इसको स्टडी कर लेते हैं, फिर उसके बारे में बताऊंगा कैसे इसको प्रोवाइड करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्लैब के अंदर, ठीक है, तो इसमें अब क्या करना है, सबसे पहले एक रूम लेते हैं। सेटिंग हमारे पास प्रोवाइड हो गई, बीम का रेनफोर्समेंट हमने प्रोवाइड कर दिया है। उसके बाद क्या करना है, स्लैब का रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है। तो स्लैब का रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने के लिए पहले मेन बार एंड क्रॉस बार आपको बता दिया है। मेन बार आपका शॉर्टर स्पैन होता है एंड क्रॉस बार आपका लॉन्गर स्पैन। जो स्लैब की जो दूरी हो, जैसे कि आपका 5 फुट हो गया या आपका 10 फीट हो गया, तो 5 फीट में सबसे पहले क्या करेंगे, मेन बार, ठीक है, सबसे पहले वो प्रोवाइड करना है होता है। इसमें आपको देखना है कि मेन बार प्रोवाइड करना है, ये वाला प्रोवाइड, ये आपका क्या होता है, पैसेज हो गया है या इसको, ठीक है, ये पैसेज हो गया। तो पैसेज में हमें प्रोवाइड करना क्या है, ये वाला बार। तो ये बार प्रोवाइड करने के लिए मेन बार एंड क्रॉस बार देखते हैं कौन सा बार है। तो 10 mm एट द रेट 6 इंची सेंटर टू सेंटर, इसमें प्रोवाइड क्या करना है, 10 mm का बार रहेगा, 10 mm का बार है और 6 इंची सेंटर टू सेंटर रहेगा। 6 इंची क्या रहता है, अल्टरनेट, जो क्रैंक बार प्रोवाइड करते हैं, क्रैंक बार, ये आपको क्या शो कर रहा है, क्रैंक बार करते हैं अल्टरनेट शो। एक बार ऐसे क्रैंक बार तोड़ेंगे तो इस क्लैब तक ले जाएंगे, फिर यहाँ से शो करेंगे तो फिर यहाँ तक ले जाएंगे, तो ये अल्टरनेट होता है। तो क्रैंक बार निकालने के लिए जो होता है L/4 होता है, जो अंदर क्लियर स्पैन होता है आपका, सपोज कि 10 फीट से आपको 4 से भाग करना है तो 2.5 फीट, तो मिनिमम ये आपको 2.5 फीट तक यहाँ पे क्रैंक बार आपको प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपको एक्स्ट्रा बार भी उसमें शो करना है। एक्स्ट्रा बार आपको क्या करना है, ये वाले फेस, ये वाला इसको संकरण के फेस से जाएगा तो ये आपको एक्स्ट्रा निकल जाता है, जितना क्रैंक बार होता है उसके फेस तक ले जाते हैं क्रैंक बार। तो 12 mm, ये 12 हैज बार, आपका 12 mm का बार रहेगा और 6 इंची सेंटर टू सेंटर एक्स्ट्रा बार। ये जो क्रैंक बार होती है, एक क्रैंक बार थोड़ा फ्यूज के बीच में बॉटम में चले जाता है बीम के, फिर ऊपर आपका क्रैंक बार बॉटम टॉप में चले जाता है बीम के, तो उन दोनों के बीच में क्या हुआ, प्रोवाइड करते हैं एक्स्ट्रा बार यूज करना होता है। फिर उसके नीचे एक डिस्ट्रीब्यूशन बार, क्रैंक बार जो डबल जाल हो जाता है उसके नीचे एक्स्ट्रा बार यूज करते हैं, क्रैंक डिस्ट्रीब्यूशन बार, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार आपको जो बार आपका 10 mm का रहता है वही आपको इसमें यूज करना रहता है, जो स्लैब के बार रहता है, अगर आपसे अलग से दिया जाता है तो डिस्ट्रीब्यूशन आपको स्लैब के अंदर भी दे देगा, ठीक है। तो इसी तरह आपको ये वाला प्रोवाइड, जैसे स्लैब ये आपका रूम हो गया, तो रूम में आपको प्रोवाइड करना है, तो 10 फीट 7.5 इंच आपका डायमेंशन होगा इनर टू इनर, प्लस क्रैंक बार, मेन बार कौन सा रहेगा, मेन बार शो कर रहा है, डॉट डॉट शो कर रहा है, मेन बार एंड क्रॉस बार, तो 10 mm का सेंटर टू सेंटर 6 इंची, ठीक है, इस तरह से होकर है। मेन बार ऐसे डालेंगे, क्रॉस बार भी इस तरह से डालेंगे, दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन करना है अल्टरनेट, एक बार बीम के नीचे जाएगा, ये वाला बीम के नीचे आएगा और क्रैंक बार उठेगा बीम के ऊपर जाएगा, इधर से भी आपके बीम के ऊपर, तो ये आगे तक शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये एक्स्ट्रा बार हमें आप प्रोवाइड करना है, एक्स्ट्रा बार 12 mm का 6 इंची किस ले लिया, बिकॉज मेन बार क्रॉस बार ही आपका 6 इंची है, तो ये भी 6 इंची लेंगे एक्स्ट्रा बार, ठीक है। तो इस तरह से प्रोवाइड करना है, और जैसे भी आपका शुरू आता है फिर कहाँ पे देता है आपको ये, उसके बाद लेते हैं साफ्ट, ये आपकी साफ्ट रहेगी सर्विस आर, ये जो उसका खाली खाली होता है इसमें आपको प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। इस तरह से आपको लिफ्ट का एरिया आ जाता है, फिर स्टेयर केस आ जाता है, यहाँ पे आप करेंगे ऊपर, फिर यहाँ से नीचे डाउन करेंगे तो ग्राउंड फ्लोर या आपका बेसमेंट का अंदर भी एरिया है। उसके बाद मेन बार क्रॉस बार क्लियर हो चुका है, तो बस कुछ बेसिक्स कटआउट मैं बताता हूँ आपको, कटआउट कहाँ से छोड़ने, कटआउट कैसे छोड़ेंगे, तो कटआउट के डायमेंशन आपको उसने गिवन दे दिया, इस बीम के, ये वाला बीम का फेस रहेगा, बीम के फेस से आपको 3 फीट 3 इंची, बीम के फेस से 3 फुट 3 इंची छोड़ने के बाद स्लैब रखेंगे, स्लैब के बाद जो एरिया बचेगा कटआउट के लिए छोड़ देंगे, ठीक है, ये मिलाते हुए चले जाएंगे इस वाले फेस से, कोने फेस से मिलाते हुए जाएंगे, जो भी 3 फीट यहाँ पर आएगा, 3 फीट यहाँ पर छोड़ने के बाद अगला जो छोड़ देंगे कटआउट के लिए, सेम प्रभाव इसी तरह रहता है, 3 फीट 3 इंच छोड़ने के बाद कॉलम के फेस से बाहर का फेस रहेगा स्लैब का, तो कटआउट छोड़ देते हैं, जैसे कि आपको नीचे देख पा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं वहाँ पे सामने कटआउट के लिए छोड़ दिया, जो खाली जगह रहती है, ठीक है। तो बस बेसिक्स पॉइंट जो मैंने आपसे शेयर किया, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।